गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं महिमा सिंह। आज आपका जो ध्यान है वो दोबारा से इस तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करूंगी कि किस तरह से बच्चे का जो फाउंडेशन लेवल है, यानी कि जो मतलब 6 साल की उम्र में हमें जो बच्चा मिला उसकी नींव किस तरह से मजबूत होगी, किस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट देकर हम उसको सिखाना समझा सकते हैं, किस तरह से बढ़िया से कलर का इस्तेमाल करके, डिफरेंट डिफरेंट कलर के शेप्स का इस्तेमाल करके हम उसको ये समझाएं कि वन और वन जोड़ने पे टू ही होता है, ना कि हम उसको फोर्स करें कि ये बना है तो यही होगा, वो बना है तो वही होगा। तो छोटा सा वीडियो है, आप देख लें कि देखिए जो छोटा सा बच्चा होता है वो थोड़ा सा इमेजिनेटिव होता है, वो चीजों को अपनी कल्पना में उतारना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि एक्चुअली जो मैम कह रही है वो लागू हो रहा है कि नहीं, या फिर मैम जो कह रही है उसने देखा है कभी या नहीं देखा है। तो इमेजिनेटिव का मतलब मेरा यहाँ सिर्फ इतना है कि जितना कलरफुल उसकी कॉपी होगी उसको उतना अच्छा महसूस होगा अपनी कॉपी देखने के बाद। अब बच्चा है या हम है, हम दोनों ही ये चाहते हैं कि काम क्लीन एंड नीट होना चाहिए क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है। तो मेरा ये मतलब है कि कक्षा 1 के बच्चे के साथ हम रंगों का प्रयोग भी खूब अच्छे से कर ले, ताकि वो देखिए बहुत सारी चीजें सीख रहा है। अगर आप उसको ये कहते हैं कि बेटा ये आकृति है इसमें रंग भर के लाओ, तो जो वो रंग भर रहा है एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो आकृति भी समझ रहा है, वो रंग का नाम भी सीख रहा है, क्योंकि आपने कहा देते समय आपने बता दिया कि इस आकृति में लाल रंग भर के लाओ, तो आपको अलग से रंग नहीं सिखाना है, वो सीख गया कि इस आकृति में उसने जो रंग भरा है वो लाल ही है और वो कितनी आकृतियां हैं गिनकर आपको बता देगा। तो थोड़ा सा हम लोग कलर का इस्तेमाल भी करें, उनको इंस्पायर करें कि प्लेवे मेथड से बच्चा सीखे समझे करे। ऑलराइट, तो देखिए देख लेते हैं कि मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं कि किस तरह से बच्चे को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन इवन क्लासरूम में जो हमारे व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, ग्रीन बोर्ड्स होते हैं, इवन अगर ब्लैक बोर्ड भी होता है, क्योंकि कलर्ड चौक मार्केट में इजिली अवेलेबल है, आप खरीद लें, उसका प्रॉपर इस्तेमाल एटलीस्ट क्लास 1 और 2 में जरूर कर दें, क्योंकि 3, 4, 5 का बच्चा, 3 तो नहीं लेकिन 5 का बच्चा ऑटोमेटिक क्रिएटिव हो जाता है, वो खुद ही चाहता है कि आप उसको ड्राइंग दें और वो करे। लेकिन मेरा यहाँ पे जो कंसर्न है वो क्लास 1 के बच्चे के लिए है कि आप उसको अच्छे अच्छे कलर्स दीजिए, उसको इंस्पायर करिए, व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे इतना सुंदर लिख दीजिए कि बच्चे को लगे कि भाई मैम ने बहुत अच्छा लिखा है, हमको भी वैसा ही करना है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल करिए, अलग अलग आकृतियां बच्चे को दीजिए, उसको ये समझाने की कोशिश करिए कि बेटा पढ़ाई बोझ नहीं होती है, इसको एंजॉय करके भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 प्रकार के अलग अलग शेप्स दे रखे हैं, आप देख लें कि पहले जो पिछला वीडियो था उसमें हम बच्चे को सिखा चुके हैं कि 1 से 1 मिलता है तो 2 होता है, 1, 1, 1, 3 हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, एक बार फिर उसको सिखा देंगे, क्योंकि देखिए पुनरावृत्ति क्लास में आकर बहुत जरूरी है। बच्चा क्लास में आता है, आप क्यों कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो भी जो पीछे था उसको पहले पूछ लीजिए, पता तो चले कि जो पिछला उसका था वो प्रिपेयर हुआ कि नहीं। अगर नहीं है तो अगला चैप्टर, अगला टॉपिक कोई वैल्यू नहीं रख रहा है, क्योंकि वो उसके ऊपर से जा रहा है, यानी बेस का मतलब समझते ना कि नीचे से चीजें चल रही हैं। अब अगर बीच में हट गई तो वो हट गया, वो कभी नहीं जुड़ेगा। तो पहले क्लास में आइए तो पिछला थोड़ा पूछ लीजिए, तब उसको नया देना शुरू करिए। ठीक है, तो पिछला हमारा ये है क्योंकि हम बच्चे को ये सिखा चुके थे कि 1 + 1 करते हैं तो 2 आता है, 1 + 1 करते हैं तो 3 आता है, यानी कि हमने पहले ये चित्र बच्चे के सामने बनाया और मैंने बोला कि बेटा ये कितना है, तो ये सिंगल खड़ा है, हम इस तरह भी समझा सकते हैं कि इसके साथ कोई नहीं है, यानी ये 1 है। जो एक होता है, जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसको हम 1 कहते हैं, क्योंकि ये 1 + 1 ये जो साइन है, ये जो जोड़ का निशान है, इसको जोड़ का निशान कहते हैं, प्लस कहते हैं, यानी 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 1 और 1 कितना हो गया बेटा 1, 2 और 3, यहाँ 3 लिख दीजिए, 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ कितने हैं, यहाँ 4 लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 5, यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। तो देखिए ये आपने बच्चे को सिखा दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कलर का इस्तेमाल करना, कॉपी को डेकोरेट करना, बच्चे को इंटरैक्ट करना कि किस तरह से कॉपी को और इंटरैक्टिव कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, अलग अलग प्रकार की चीजें उसको बना दीजिए, उसको कलर करने के लिए कहिए, फिर उसको काउंटिंग सिखाइए। ठीक है, तो पूछ लीजिए बच्चा कि बेटा कितनी माचिस की तीली है, 1 है,
एक और एक मिल गई तो कितनी माचिस की तीली हो गई? दो। ये कितनी है? एक दो तीन, ये तीन माचिस की तीली है। एक दो तीन चार, ये चार माचिस की तीली है। एक दो तीन चार और पांच, ये पांच माचिस की तीली है। फिर देखिए, एक फ्लावर बना दीजिए छोटा सा, तो बताएगा, आप पूछेंगे कितना है, क्योंकि फ्लावर अकेले है, फूल अकेले, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एक है। ये कितनी बॉल है? एक और एक मिलके कितना हो गया? दो। ये जो चौकोर बना है पत्थर जैसा, ये कितने हैं? एक दो तीन, ये तीन है। ये कितने पेन है? एक दो तीन चार, ये चार पेन है। ये कितनी बॉल है? एक दो तीन चार और पांच। ठीक है, मेरा बस इतना मतलब है कि बच्चे को प्लेवे मेथड से सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग आकृतियों को मिलाने से भी संख्याएं जोड़ी जाती हैं, घटाई भी जाती हैं। लेकिन अभी तो हम बात जोड़ने की ही कर रहे हैं, तो यानी एक में एक बॉल मिला गई, दो मिला दी गई तो दो हो गए। ये सारी बॉल्स रखी हुई, बेटा गिनो कितनी है, एक बॉल दो बॉल तीन चार, यानी ये टोटल पांच बॉल है। तो इस तरह से बच्चे को कॉपी में भी इंटरैक्ट करना है, अलग अलग शेप्स लेके, अलग अलग कलर्स लेके, उसको प्लेवे मेथड पे छोड़ दीजिए कि कलर वो खुद करे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बच्चे को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई स्कूल जाएंगे तो मैम अच्छे अच्छे कलर्स देंगी, शेप्स देंगी, साइज देंगी, मारेंगी नहीं, डांटेंगी नहीं, वो हमको समझाएंगी।